खरगोन जिले के भगवानपुर तहसील में बुधवार को नगर के सतीपुरा में बने कोविड केयर सेंटर से एक वृद्ध महिला ने कोरोना महामारी को मात दी। इस दौरान उपस्थित ब्लॉक अधिकारियों व स्वास्थ्य कर्मियों ने तालियां बजाकर वृद्ध महिला का हौसला बढ़ाया। जानकारी के अनुसार ग्राम भाग्यपुर निवासी रामप्यारी बाई राठौड़ उम्र 75 वर्ष 26 अप्रैल को कोरोना के लक्षण मिलने पर उन्हें कोविड सेंटर भर्ती किया गया था। तब इनकी हालत खराब थी, ऑक्सीजन लेवल भी कम था। कोविड सेंटर में स्वास्थ्य विभाग की टीम सतत निगरानी रखे हुए है, उनका समय समय पर उपचार किया गया। अब रामप्यारी बाई पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट आई है। वहीं BMO डॉक्टर चेतन कलमे ने बताया कि बीमारी से डरे नहीं, लक्षण मिलने पर तत्काल अस्पताल जाकर अपना टेस्ट करवाएं। कोविड सेंटर में मरीजों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें जिला चिकित्सालय जाने की जरूरत नहीं है, यहां पर अपना अच्छे से उपचार करवाएं। BMO चेतन कलमे ने बताया कि फिलहाल यहां 4 संक्रमित मरीजों का सेंटर में उपचार चल रहा है। इस मौके पर तहसीलदार मनोज चौहान, CEO ML वर्मा, सचिन सेन आदि मौजूद थे। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजा खान की रिपोर्ट। आज हमने पिछली 26 तारीख को एक पेशेंट जो 75 वर्षीय महिला हैं, रामप्यारी बाई जो भगियापुर के रहने वाली हैं, उनको संपूर्ण उपचार के पश्चात जो है कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज किया है। वर्तमान में वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, उनका सेचुरेशन भी 97-98 शिफ्ट कर रहा है, अच्छा खाने लगी हैं, वॉक टेस्ट में भी उनको जो है अभी कोई दिक्कत नहीं है और भूख भी बढ़ गई है उनकी और पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर वो डिस्चार्ज हो रही है। अभी सेंटर में कितने मरीज उपचाररत हैं? अभी सेंटर में टोटल 3 मरीज उपचाररत हैं और बाकी के अभी और भी 2 मरीज और वेटिंग में हैं, वो आ रहे हैं। नाम सर आपका? अभी एक जो पेशेंट हमारे पास एडमिट हैं उनके एक तो जीतू करके हैं, उनकी वाइफ हैं जो बागदरी के हैं, और बाकी एक बहादुरपुरा से एक पेशेंट हैं और एक पेशेंट क्या नाम वड़िया का एक पेशेंट है हमारे पास एडमिट। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।